दोस्तों अर्जेंटीना ने भारत से तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, ऐसी न्यूज काफी दिनों से मार्केट में चल रही है। इसी को लेकर अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। इन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा भी किया है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी जानकारी ली है। दोस्तों इस वीडियो में भारत और अर्जेंटीना के हथियार डील की पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीदने को तैयार है, लेकिन इस डील में एक ऐसा पेच फंसा हुआ है जो भारत के हथियारों के निर्यात के लक्ष्य पर पानी फेर सकता है। भारत आए अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना ने तेजस के अधिग्रहण को लेकर अपनी चिंताओं से भारत को अवगत भी करा दिया है। इन्होंने खुलासा किया है कि अर्जेंटीना के पायलटों ने तेजस को उड़ाकर उसकी ताकत की जांच भी कर ली है। जॉर्ज एनरिक ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक तेजस विमान से ब्रिटेन में बने पुर्जे को हटाया नहीं जाता और उनकी जगह दूसरे देश के उपकरणों को फिट नहीं किया जाता, तब तक इस डील पर शंका के बादल बने रहेंगे। तेजस भारत का एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें कई देशों के पुर्जे लगे हुए हैं। ऐसे में तेजस बनाने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के आगे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। तेजस में लगे ब्रिटेन के पुर्जे को आसानी से नहीं बदला जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन में ये दुश्मनी बहुत पुरानी है। अर्जेंटीना और ब्रिटेन फॉकलैंड द्वीप समूह पर अपनी अपनी दावेदारी जताते हैं। फॉकलैंड द्वीप समूह भौगोलिक रूप से अर्जेंटीना के नजदीक है, लेकिन इस पर ब्रिटेन का कब्जा है। दोनों देशों में इस द्वीप पर कब्जे को लेकर 1982 में फॉकलैंड युद्ध भी हो चुका है। फॉकलैंड युद्ध में 10 हफ्तों तक चला था। इस युद्ध में अर्जेंटीना को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। यही कारण है कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में जॉर्ज एनरिक तायाना ने कहा कि वह अर्जेंटीना और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, विशेष रूप से भारत और अर्जेंटीना में रक्षा क्षेत्रों में सहयोग और संबंध को मजबूत करने को लेकर इन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह की बातचीत काफी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं और जिस तरह से हम उन सिद्धांतों को देखते हैं जिन पर हमें भरोसा करना होता है, उनमें कई दोनों देशों के बीच कॉमन है, जैसे कि दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप न करना, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, सभी संघर्षों का समाधान। इस कारण भारत और अर्जेंटीना के संबंध बहुत समय से आपस में बहुत मजबूत हैं। तेजस की खरीद के बारे में पूछने पर अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना ने कहा कि यह एक अस्पष्ट मामला है। भारत एक उभरता हुआ देश है जिसने तकनीकी और बहुत दिलचस्प विशेषताओं वाला एक रक्षा क्षेत्र विकसित किया है, इसीलिए हम इस मुद्दे पर गौर करने और चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और न केवल खरीदने की संभावनाओं को देख रहे हैं, इसके बजाय हम साझा अवसरों में भी सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। विमान के मामले में क्योंकि अर्जेंटीना सुपरसोनिक लड़ाकू विमान की तलाश में है, हमारे आयोग तकनीकी आयोग ने विभिन्न प्रकार के विमानों को देखने के लिए कई देशों का दौरा किया है और हम चयन का प्रक्रिया के अंत में है। आयोग का फैसला अभी नहीं है बल्कि 1-2 महीने में होगा। जब पत्रकारों से अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि तेजस पर फैसला होना अभी बाकी है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ तेजस ही नहीं बल्कि अलग अलग विमानों पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि हमने अपने पायलटों को अलग अलग देशों के अलग अलग विमानों पर विचार करने के लिए भेजा है। उदाहरण के लिए एक मुद्दा यह है कि विमान में ब्रिटेन का एक भी टुकड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि ब्रिटिश इसे अर्जेंटीना को नहीं बेचता है, तो तेजस के मामले में इसके 16 हिस्से ब्रिटेन से खरीदे गए हैं, इसीलिए कंपनी का पार्ट्स को बदलना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अर्जेंटीना के पायलट 2 बार तेजस उड़ा चुके हैं। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री अभी भी भारत में ही हैं। डील फाइनल भी हो सकती है। वैसे इस पर जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि भारत कई हथियारों को निर्यात करने के लिए तैयार है। भारत का प्रमुख हथियार प्रणालियों में तेजस लड़ाकू विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल
और सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणालियों को मित्र देशों को निर्यात करने का इच्छुक है, जबकि 290 किलोमीटर दूरी वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की तीन एंटी शिप तटीय वेरिएंट के लिए $375 मिलियन का अनुबंध जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ किया गया था। वहीं इस साल की शुरुआत में मलेशिया ने लंबी प्रक्रिया के बाद 18 हल्के हमले वाले विमानों के आयात के लिए $290 मिलियन के सौदे के लिए तेजस के स्थान पर दक्षिण कोरियाई F-15 लड़ाकू विमान का चयन किया था। F-15 लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया का फोर्थ जनरेशन विमान है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।